बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th के जनरल साइंस के बाकी दो यूनिट्स हल करते हैं। पहली वीडियो में हमने तीन यूनिट्स हल किए हुए हैं, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं। अगर आप देखना चाहो तो काइंडली विज़िट कीजिए पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। नंबर वन, ए पॉपुलेशन विद बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट इज़ कॉल्ड स्टेबल। ऐसी आबादी जिसका बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो, बराबर हो, मसावी हो, उसको स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर टू, ईच इन्वायरमेंट सपोर्ट्स अ लिमिटेड पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स, यानी आबादी का इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है, कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर इसका इन्हिसार होता है। नंबर थ्री, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट। नंबर फोर, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नंबर फाइव, रिमूविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडिंग टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू पॉल्यूशन आर मेजर फैक्टर इन द प्रोसेस कॉल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नंबर सिक्स, The change in population take place primarily due to the change in birth, migration, death, all of the above. Number seven, crude death rate is, crude death rate से क्या मुराद है? Total death in a specific year, total population in that year multiplied by 1000. नंबर एट, क्रूड डेथ रेट इज आल्सो नोन एज, क्रूड डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट्स भी कहा जाता है। नंबर नाइन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर दैट एन इंडिविजुअल कुड लिव इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक बंदा कितने साल तक जिंदा रह सकता है या कितने साल रहता है, तो इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नंबर 11, व्हाई इज द रेट ऑफ अर्बन ग्रोथ इन द वर्ल्ड्स लेस डेवलप्ड रीजन सो मच हायर देन एल्सवेयर। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज as compared to industrialized nations. Number 12, as the population of developing countries undergoes a demographic transition in the years to come, what is likely to be the consequence? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देयर विल बी रेपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज एज मोर पीपल माइग्रेट देयर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की तलाश में देहातों से लोग सिटीज का रुख करते हुए आबादी में इजाफा हो जाता है। नंबर 13, अर्बनाइजेशन मीन, अर्बनाइजेशन से मुराद है रेपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज, यानी शहरों में इजाफा होना। नंबर 14, डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स अबाउट, जंगलात की कटाई से क्या होता है? सॉइल इरोजन। यूनिट नंबर 5, इनर्जी सोर्सेस, तवानाई के जराए। क्वेश्चन नंबर 1, फेल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस by the decomposition of organic matter is called fossil fuel. Number 2, which of the following causes the least pollution when burnt? वो कौन सा चीज है जिसके जलने से pollution थोड़ा बहुत caused हो जाता है, आलूदगी पैदा होती है, वो है कोल। कोयला जलने से थोड़ी बहुत माहौल में आलूदगी पैदा होती है, यह हम रोज़मर्रा के हिसाब से जलाते हैं,
नंबर थ्री, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दर्जिजेल में से कौन सा नहीं है? नेचुरल गैस। नंबर फोर, ए सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, सोलर सेल कौन सी चीज से बनाई जाती है? सेल बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फाइव, ए सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर सिक्स, द फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सेवन, द स्टेट ऑफ कोल विद लोवेस्ट कार्बन कंटेंट इज, एंथ्रेसाइट कोल, एंथ्रेसाइट कोल में कार्बन कम मकदार में पाया जाता है। नंबर एट, अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस किलोवाट हावर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इकाई किलोवाट हावर है। नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। नंबर टेन, सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल सच एज वुड, ग्रेन, शुगर एंड म्युनिसिपल वेस्ट इज कॉल्ड बायोमास, इसको बायोमास कहते हैं। नंबर इलेवन, द वर्ल्ड फेसेस इन एनर्जी क्राइसिस बिकॉज वर्ल्ड डिमांड फॉर एनर्जी विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, अ फ्यूल सेल कंबाइंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर। नंबर थ्री, फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर फोर्टीन, पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ऑल ऑफ द अबव। नंबर फिफ्टीन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही, दो यूनिट्स बाकी थे, दोनों यूनिट्स हमने हल किए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास टेंथ के जनरल साइंस हल करेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।